हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आज छुट्टी पे था लेकिन अभी 3 बजे निकल रहा हूं। हमारे एवी कैब वाले भाई साहब, उनसे मिलना है और उसके बारे में भी बताऊंगा। बारीकी से वीडियो आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं, आज मैं बाहर के कोई ड्यूटी नहीं ले रखा हूँ, कोई ट्रिप नहीं ले रखा हूँ और कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसके पीछे वजह है कि तबीयत मेरा ठीक नहीं था, सुस्ता इस वजह से। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे सिर्फ ओला उबर के बारे में कि दोस्तों अगर आप नए बंदे हो तो नए बंदे कैसे काम कर सकता ओला उबर में। देखिए ओला उबर में काम करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या क्या मैंडेटरी है उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना दोस्तों। तो वो चीजें क्या है, देखिए बहुत लोगों को डाउट रहता है कि बंदा कैसे काम करे, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कौन सी लाइसेंस से हम लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ओला उबर टैक्सी लाइन में काम करना है तो आपको आपके पास होना चाहिए एक लाइसेंस। लाइसेंस कौन सी होनी चाहिए, प्राइवेट लाइसेंस में चलेगा, जिसका नाम होता है लाइट मोटर व्हीकल, मतलब LMV, और मोटरसाइकिल विद गियर, वो तो मोटरसाइकिल के लिए होता है, मतलब मोटर व्हीकल विथ गियर ऐसा करके, और LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल जो कार चलाने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज चाहिए कि आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर खुद की गाड़ी है तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप रेंट पे भी अगर लोकल से किसी ड्राइवर भाई से पता करके आप ले सकते हो और उसको काम कर सकते हो दोस्तों, है ना। तो ये तरीका है ओला उबर में ज्वाइन होने के, काम करने का। और आपको मैं बता दूं कि आप लोग किसी भी भाई से बाहर से ID ना बनवाए, दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में नोट कर लीजिए, दिल्ली में पीतमपुरा वर्धमान प्लाजा जो ओला उबर का ऑफिस है, और वहां पे आपका फ्री में काम होगा, कोई भी पेमेंट नहीं करना है वहां पे अकाउंट बनाने के लिए या ब्लॉक ID खुलवाने के लिए। ये सारे काम कंपनी की तरफ से जो सर्विस लोग देते हैं वहां पे बैठे हुए हैं वो लोग देते हैं दोस्तों। और आपकी गाड़ी भी अटैचमेंट हो जाएगी, पासबुक भी चाहिए बैंक का उसमें अटैच करने के लिए, अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन और लाइसेंस और गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी नंबर, मतलब ये चीजें, ये सारी चीजें आपके पास है तो आप ओला उबर में अभी आप अटैच होंगे, 5 से 10 मिनट में आपके अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा और रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग काम करेंगे। और इस तरीके से ही काम होता है दोस्तों। कोई भाई आपको बरगलाता है कि नहीं इतना पैसा देना पड़ेगा तब हम अटैचमेंट करवा देंगे, ये सब फ्रॉडबाजी है। दिल्ली की बात में बता रहा हूँ, दिल्ली NCR, अगर आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में सेक्टर 63 के अंदर ही है, वहां पे आप गूगल करके जा सकते हैं उबर ऑफिस, वहां पे भी उबर का ऑफिस है, वहां पे भी आपको फ्री में होगा। हाँ ओला का वहां पे पैसे लेते हैं, ओला की सर्विस बंद हो चुकी है इसलिए, ठीक है, सिर्फ वो कैब सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, बस यही सब कुछ है दोस्तों। अब आते हैं बात नोएडा छोड़ो गुड़गांव की। जो भाई गुड़गांव में रहता है और गुड़गांव से सोचता है कि गुड़गांव उसके लिए कौन सी जगह बेस्ट है जहां पे ओला उबर का ऑफिस है, तो मैं बता दूं गुड़गांव सेक्टर 29 में उबर का ऑफिस है, हेड ऑफिस जो भी यहाँ दिल्ली का है, दिल्ली NCR में उसका हेड ऑफिस वहां पे है। आप वहां पे जा करके उनसे आप गूगल करके जा सकते हैं या आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि सेक्टर 29 में उबर का ऑफिस कहाँ है, वहां पे भी जा करके आपको ओला का आपको कहाँ मिलेगा, राजकोरी दिल्ली बॉर्डर के पास, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं पत्थर रोड थोड़ा टूटा हुआ है तो उसी रास्ते से जा रहा हूँ दोस्तों, है ना। काम पे निकला हूँ और AB कैब वाले भाई साहब के साथ आज वीडियो बनाएंगे, तो अभी जा रहे हैं उनके साथ, मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे बहुत सारे चीजों पे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हमारे भाई जो भी न्यू ड्राइवर लोकल ओला उबर में चलाना चाहता है भाई, और हाँ अब आती है बात कि भाई ओला उबर में चला गया बचा कितने लोग, सबसे बड़ी पॉइंट ये होता है लोगों का। तो आपको बचाने वाली बात में देखो दोस्तों, 500 के CNG में 1500 रुपए काम निकल आता है, इतना हमें भी पता और हमने किया है, ठीक है, और इतना ही सभी ड्राइवर से उम्मीद करते हैं, इससे ज्यादा अगर कोई कहता है तो भाई वो बंदा फिर ईद की चांद वाली बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये बात सोच लीजिए कि इससे ज्यादा कंपनी कमाने नहीं देती है,
बेशक उसका रूल्स क्या है कि 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देगा, बेशक कस्टमर से कितना मर्जी चार्ज करे, लेकिन आपको 10 रुपए ही किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर का रेंज में इस रेट से ज्यादा नहीं देगा। हाँ, 10 किलोमीटर से नीचे का रेंज है तो आपको 5 किलोमीटर का 100 रुपए दे दे, 80 रुपए दे दे, मतलब 15 से 18 रुपए किलोमीटर देने लगेगा अगर 5 किलोमीटर का राइड होगा तो। अगर 5 से ऊपर होगा तो आपको 10 रुपए ही किलोमीटर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ही रूल्स है और इसी के वजह से मार्केट में लोग नाराज है कि कंपनियां रेट कम क्यों देती है, ऐसा वैसा। तो इस तरीके से आप ओला उबर में काम कर सकते हो। अब आते हैं बात कि उबर में इंटरसिटी और ओला में इंटरसिटी कैसे काम करते। तो दोस्तों देखिए, हर एक कंपनी का एक टर्म होता है, मतलब टर्म मतलब अपना रूल्स रेगुलेशन होता है, उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। उस रूल रेगुलेशन में यह होता है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आप अगर आज ज्वाइन करते हो और कंपनी के साथ मिलके 50 से 100 ट्रिप कंप्लीट कर देते हो तो कंपनी आपको उबर इंटरसिटी ऐप परफॉर्मेंस में खोल देता है। अगर ये आप कॉल करके उनको बोल सकते हो, खोल देंगे। सेम कंडीशन ओला में भी है। तो सिर्फ ओला और उबर ही आउट स्टेशन काम देता है जो अपने ऐप के माध्यम से, बाकी रैपिडो भी आई है मार्केट में, सिर्फ लोकल लोकल काम कर रहे, आउट स्टेशन काम नहीं दे रहा है लोगों को। रैपिडो में भी आप कैब अटैचमेंट कर सकते हो। ये ओला उबर कमीशन बेस्ड कंपनी है, ऐप एग्रीगेटर कंपनी है, और उबर ये अपना रैपिडो भी इसी तरीके से काम होता है। रैपिडो को तो आप घर बैठे अकाउंट बना सकते हो, ऐप डाउनलोड कीजिए रैपिडो कैप्टन और खुद ही बना सकते हो। वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दीजिए, अकाउंट नंबर अटैच कर दीजिए और आपको थोड़ी देर में ही आधे घंटे में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। तो कितना आसान हो गया ना काम करना, बहुत ही ज्यादा आसान है लोगों को टैक्सी चलाना और बहुत ही अच्छा बेनिफिट अर्निंग करना अपने घर परिवार। और हाँ, दूसरी चीज की आप महीने की अर्निंग का बात करें तो महीने की अर्निंग अगर आप देखा जाए तो आपकी 60,000 रुपए की अर्निंग होगी। 60,000 में गाड़ी की ईएमआई भी होगी और 2,000 रुपए पर डे का कमाई होगी, जिसमें आपका खर्चा काट के मैं बता रहा हूँ, उबर का और ओला का कमीशन हटा करके 2,000 से 1,800 रुपए पर डे का आपका कमाई है, जिसमें आप उसको एवरेज ऑन करें 30 दिन तो 60 दिन का आपका पैसा, 60,000 रुपए 30 दिन का बनता है। और एवरेज ऑन उसमें 15,000 ईएमआई हटा दो, 5,000 से 4,500 रुपए आप गाड़ी का मेंटेनेंस हटा दो। दोस्तों यही चीजें हैं और ये एक्चुअल चीजें कोई नहीं बताता, बस आपको अर्निंग दिखा दिया कि इतना हो गया वो हो गया, लेकिन आप पीछे के बैकएंड में भी जाके आप चेक करना चाहिए। और थोड़ी सी मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई काम करने से पहले आप लोग रिसर्च कीजिए पीछे कि हाँ भाई क्या है, नहीं है, कितनी कमाई है, नहीं है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो न्यू ड्राइवर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है सबसे बड़ी बात कि आपको ये चीजें इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और दोस्तों में अपने शेयर कर देना दोस्तों, है ना। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।